हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 सिखाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट है। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ रेगुलर हेक्सागन एंड अ ट्राइंगल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर, अ रेगुलर हेक्सागन हैज सिक्स साइड्स एंड अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स। तो डायगनल निकालने से पहले आइए जान लेते हैं कि डायगनल्स होता क्या है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। देखिए, डायगनल, अ डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। क्या मतलब है? एक फिगर लेते हैं, एक हमने लिया फोर साइडेड फिगर, एक रेक्टेंगल ले लिया। तो इसके अंदर अगर मुझे डायगनल रिकग्नाइज करने हैं, तो आपने क्लास सिक्स और सेवेंथ में ये पढ़ा है कि पी आर और क्यू एस इसके डायगनल्स हैं। अब हमें इसे पॉलीगन के लिए जनरलाइज करना है, मतलब ज्यादा बड़े पॉलीगन के लिए जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होती जाती हैं, उसमें डायगनल कैसे इंक्रीज होते हैं। इसने बोला अ डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। अब नॉन कंसेक्यूटिव वर्ड का क्या मतलब है? अगर हमारा क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस नोन है, तो पी के बाद आने वाला पॉइंट जो उसको फॉलो कर रहा है वो कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव भी हम समझ सकते हैं, या नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस भी समझ सकते हैं, या फिर नॉन एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट और ऑपोजिट वर्टिसेस भी समझ सकते हैं। तो सारी डेफिनेशंस बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो आप किसी भी तरीके से ये चीज समझ सकते हैं कि डायगनल का मतलब है कि लाइन सेगमेंट जो एडजेसेंट वर्टिसेस को ना ज्वाइन करे। एडजेसेंट कैसे होंगे? अगर पी ये है, तो पी के इमीडिएटली फॉलो साथ में होने वाला ये दोनों वर्टेक्स एडजेसेंट हैं, तो पी को सिर्फ आर ही एक ऐसा वर्टेक्स है जो ऑपोजिट है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा डायगनल बनता है। अब जैसे जैसे हमारे वर्टेक्स इंक्रीज होते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारा नंबर ऑफ डायगनल भी इंक्रीज होते जाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन सा पॉलीगन है, तो आप इसकी साइड्स गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये है एक पेंटागन। तो फॉर पेंटागन हमारे कितने डायगनल्स बनेंगे, ये यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। तो आइए हम भी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हम खुद पेंटागन के डायगनल्स बनाएं। इसको फिगर को नेम कर देते हैं ए बी सी डी और ई। सबसे पहले आप ये समझिए, पॉइंट ए से एडजेसेंट वर्टेक्स उसका कौन सा है, एडजेसेंट कह लीजिए या कंसेक्यूटिव वर्टेक्स आपका कौन सा है। पॉइंट ए के एडजेसेंट जो ए को एकदम फॉलो होता है आगे से भी और पीछे से भी, मतलब अगर आप ए से ई पे जाएं या ए से बी पे जाएं, तो ये दोनों एडजेसेंट है। तो ई और बी, दैट मीन्स ना तो मेरा ए ई डायगनल बन सकता है और ना ही मेरा ए बी डायगनल बन सकता है। देखिए, ये तो यहाँ पे इसकी साइड्स हैं। तो डायगनल के लिए आपको ये दोनों वर्टेक्स ए पॉइंट को अगर आप सेंटर मानते हैं, तो आपको ई और बी छोड़ देने हैं, उस पर डायगनल नहीं फॉर्म हो सकते क्योंकि वो साइड है। तो बचे कौन से? सी और डी। तो आप अपनी स्केल की मदद से सी को थोड़ा सा खराब बन गया, कोई बात नहीं, इसके अंदर हम ए बी सी डी और ई, तो ए से डी को ज्वाइन करेंगे और ए से सी को ज्वाइन करेंगे। तो हमारे पास अभी सिर्फ दो डायगनल आए हैं, एक ए डी बिकॉज इट्स अ लाइन सेगमेंट, आई एम पुटिंग अ डैश, और ए सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट बी पे। बी से एडजेसेंट ए और सी है, तो वो नहीं ले सकते, इसका मतलब हमें ज्वाइन करना पड़ेगा डी टू बी। आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो सीधी लाइन आएगी बिल्कुल, और बी टू ई। तो बी ई और बी डी,
ये भी डायगोनल हो गया। अब चलिए पॉइंट सी पे, हमने ए ले लिया था, बी ले लिया, अब सी। सी के एडजेसेंट डी और बी हैं, तो इन दोनों को तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो साइड बना रहे हैं। तो बचा पॉइंट ई और ए, जिसमें से सी ए से ऑलरेडी जॉइंड है, तो अगर आप सी ए लिखेंगे तो वो सेम एज ए सी है, तो इसको हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि ये अलग वर्टेक्स नहीं है। तो हमारा कौन सा वर्टेक्स आएगा? ई। ई से हम जॉइन करेंगे और हमें डायगोनल मिलेगा सी ई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डी। अब आप देखिए डी के साथ ई और डी के साथ सी, ये तो छोड़ दिया, और ए और बी तो ऑलरेडी जॉइंड है, डी ए और डी बी। ये रहा हमारा डी ए और ये रहा हमारा डी बी। अब आइए ई पे, ई पे भी वही सिचुएशन है कि आपने एडजेसेंट छोड़ दिए और जो बाकी दो हैं वो जॉइंट हैं। तो अब आप इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। सो देयर आर टोटल 5 डायगोनल्स इन अ पेंटागन। अब आगे कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हेक्सागन के जरूर 6 ही होंगे? ये आप अपनी कॉपी में बना के पता कर सकते हैं कि हेक्सागन के कितने बनेंगे। ये मैं बता दूं बच्चों कि 6 नहीं बनेंगे, बनेंगे तो कुछ और ही। तो आप ये करिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये एक्टिविटी। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला है, ये भी बता देते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन आप बना के भी काउंट कर सकते हैं, बट जैसे जैसे पॉलीगन्स की साइड बढ़ती जाएंगी और एक्स्ट्रा होती जाएंगी, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम साइड बनाएं और फिर डायगोनल जॉइन करके निकालें। जैसे अगर मैं कोई पॉलीगन ले लूं 20 साइड्स का, तो पहले तो 20 साइड्स का पॉलीगन ही बनाना आसान नहीं है, और उसके बाद उसके डायगोनल जॉइन करके गिनना भी आसान नहीं है। तो जनरलाइज्ड वे में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n(n-3/2), और हम पढ़ यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ही रहे हैं, तो हम कॉन्वेक्स पे स्ट्रेंथ अपना फोकस रखेंगे, कॉनकेव पे नहीं जाएंगे। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज n(n-3/2), वेर एन इज द नंबर ऑफ पॉलीगन साइड्स। फॉर अ कॉन्वेक्स एन साइडेड पॉलीगन, 3 ले लीजिए, 4, 5, 6, कितनी भी, देर आर एन वर्टिसेस एंड फ्रॉम ईच वर्टेक्स यू कैन ड्रॉ n-3 डायगोनल्स। तो उसके लिए अब इन्होंने फॉर्मूला बनाया है जो आपको लर्न कर लेना चाहिए। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ एक बार। How many diagonals does each of the following have? A convex quadrilateral. तो A part करते हैं, तो आप इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे number of sides in a convex quadrilateral, 4. So therefore, number of डायगनल्स का फॉर्मूला n(n-3/2), n को लिख लेते हैं 4, ये हो गया 4-3/2। वैसे ये तो आप ओरल भी गिन सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रिलैटरल अगर हम कोई भी बना दें, फॉर दैट मैटर आप दो ही डायगनल्स निकाल सकते हैं, एक एसी और एक बीडी। तो ये आप ओरल भी लिख सकते थे, बट हाँ, जैसे जैसे साइड्स बढ़ेंगी तो हमारे नंबर ऑफ डायगोनल बढ़ते जाएंगे। अब इसका बी पार्ट लेते हैं, तो अ रेगुलर हेक्सागन, तो वही कीजिए, नंबर ऑफ साइड्स लिख लीजिए, जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है छोटी सी, उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में सारी साइड इक्वल होंगी क्योंकि रेगुलर वर्ड यूज करा है, बट उससे इस क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लेंगे n(n-3/2), तो ये हो जाएगा 6(6-3/2), 6(3/2), ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखिए 9 डायगोनल्स आ रहे हैं।
तो अब आप अपनी जब कॉपी में बनाएंगे हेक्सागन, तो देखिए कि आप 9 डायगोनल काउंट कर पाए हैं। अब आते हैं हम ट्रायंगल पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा कितने निकलेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्रायंगल 3, तो नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2, तो 3 इंटू 3 माइनस 3/2, तो 3 इंटू 0/2, ये तो 0 ही निकल गए। ट्राइंगल के अंदर आप डायगनल बना ही नहीं सकते। आप देखिए a b c, अगर मैं a को सेंटर रखूं तो b और c दोनों इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, तो ऑपोजिट बचे ही नहीं, है ना। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ डायगनल्स ट्रायंगल के अंदर 0 होते हैं, बिकॉज एवरी वर्टेक्स इज कंसेक्यूटिव टू दी अदर। बट हाँ, ट्रायंगल से ऊपर 4-sided, 5-sided, 6-sided किसी भी पॉलीगन का आप डायगनल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना सिखाऊंगी। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.